क्रिकेट लाइफ एंड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, और जो लोग ठीक नहीं थे वो आज का मैच देखने के बाद ऑलरेडी ठीक हो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज के मैच की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल से 35 मैच था आज, और जो दोनों टीम खेल रही थी उन दोनों टीम के लिए आज आठवां मैच था। और दोनों ही टीम आज जब पाकिस्तान जीती है मैच, तो 8 में से 4 मैच जीत चुकी है दोनों ही टीम। बस बात करते हैं आज के मैच की, और आज का जिस तरीके से मैच हुआ, स्टार्टिंग में ही जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब टॉस हुआ और बाबर आजम साहब ने जब टॉस जीत के बॉलिंग करी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फैसला सही था मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप बॉलिंग करते हो तो आप जब सेकेंड बैटिंग में चेस करने आते हो, और जब आपको ये भी पता हो कि यार बारिश आ सकती है, और जब बारिश आएगी तो जाहिर सी बात है आपको रन शॉर्ट हो जाएंगे, बॉलें शॉर्ट हो जाएंगी, तो आप एक तरीके से T20 लेवल पे खेल सकते हो मैच को। लेकिन अब वही है, हमारी टीम जो है जानी यही जाती है कि यार T20 बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। और मेरे हिसाब से सबके माइंड में यही था कि यार अगर हम सेकंड बैटिंग करेंगे तो चाहे हम टारगेट 350 भी हो तो हमें आराम से हम चेस कर लेंगे, अगर बारिश नहीं भी हो तो, क्योंकि ग्राउंड भी काफ़ी छोटा है, वही वाला ग्राउंड है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला गया था। लेकिन जब बॉलिंग आती है, माशाल्लाह से हमारे बॉलर जो हैं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हारने की, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि यार सामने वाले बैट्समैन को बस रन बनवाओ। आपने एक आउट किया मेरे ख्याल से 65-70 रन पे एक आउट किया डेविन कॉनवे को, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि आउट करना ही नहीं है, ना कैच है, ना रन आउट है, ना LBW है, ना बोल्ड है, कुछ भी नहीं है। मतलब 190 रन की पार्टनरशिप लगवा दी आपने रचिन नवेंडा और उसके विलियमसन के सामने। क्यों भाई, आप अगर आप यही बॉलर लेके जाओगे, इन बॉलर से आप अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो तो माजरत के साथ भाई ये बॉलर नहीं जितवा पाएंगे आपको वर्ल्ड कप, माजरत के साथ। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ किस तरीके से, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या उनको देखा है उनके अंदर, और कितना उनके अंदर एक्सपीरियंस है, कितना वो खेल चुके हैं ODI क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, कितना वो खेल चुके हैं, किस तरीके से उनको लेके गए, किस लेवल पे, किस बेस से मना के गए वो लेके। सही है, अब बात करते हैं यार, हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 85 रन दिए, एक आउट किए, और ये इनका कोई पहला मैच नहीं जो इन्होंने 8+ या 7+ रन रेट से इन्होंने रन दिए, इससे पहले भी इन्होंने एक दो मैचेस में काफी ज्यादा रन दिए। बात हुई थी हमारे मिकी ऑथर है जो डायरेक्टर है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि यार हमारा ये मेन बॉलर है, हमारा विकेट टेकर बॉलर है, अगर ये रन खाता भी है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम विकेट देता है। भाई आप बता दो हमें कौन से मैच में विकेट लेके दिए, आप जरा मुझे ये बता दो, कोई एक लिस्ट बता दो कि यार कौन से मैच में आपने विकेट दिए, कौन से मैच में आप विकेट लेके दे रहे हो। एक फाइफर अपना बता दो, आप फास्ट बॉलर हो, फास्ट बॉलर आप इतने तेज हो, 150 पता नहीं कहाँ घर लेके जाओगे आप इतना पेस के, आप इस पेस से बैट्समैन को टैकल नहीं कर पाते तो फायदा क्या है इस पेस का, बस 150 नाम का 150 है भाई। जब पेस होती है आपके साथ आपके पास, तो एक आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होने के बाद आप उसके साथ बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। लाइन तो लाइन अगर पक्की करके करो तो आप बैट्समैन को आराम से टैकल कर सकते हो, लेकिन नहीं, कोई फुली बॉल, कोई शॉर्ट बॉल, कोई कुछ, मतलब कोई लाइन और लेंथ फिक्स ही नहीं है इनकी कि यार एक जगह पे बॉल करनी है। ये वही T20 टेपिया बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहे होते हैं। ये जो लेके आए हैं, जो सिखा रहे हैं, उनके सामने देख लें क्या क्या इनकी परफॉर्मेंस है। खैर, अब बॉलर्स ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल भाई, इन बॉलरों ने जो हमारे 5-6 बॉलर माशाल्लाह से करा रहे थे बॉलिंग, और माना कि भाई छोटा ग्राउंड था, विकेट में कुछ नहीं था, लेकिन यार इतना तो था कि आप 400 रन खेलोगे अगर यही बारिश नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल बारिश नहीं होती यार, ये 400 रन कौन बनाता। जब फखर जमान खेल रहे थे तो तकरीबन 22 ओवर में 160 रन थे, तब भी यार 240 रन चाहिए थे 28 ओवर में, ये कौन माना था। माना कि भाई बाउंड्री छोटी है, विकेट में कुछ नहीं, लेकिन 400 रन खा लोगे आप इतने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, 400 रन खा लोगे, क्या ये बॉलिंग ऐसी है कि 400 रन खा सकती है। मतलब कोई दिमाग में आने वाली बात है यार। खैर, जब पहली इनिंग हुई और मुझे तो यही लग रहा था कि यार 400 रन कौन बनाएगा, फखर से आने से पहले जब पहली इनिंग खत्म हुई मैंने लगा 400 रन को सोच रहा था मैं 400 रन कौन बनाएगा, लेकिन फिर यही सोचा कि यार फखर जमान है, एक वही बंदा है, एक वही ऐसा खिलाड़ी है जिसकी इंटेंट ही होती है कि यार पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन करना। सही है, अब उसके बाद अगर आप यही सोचें, अगर फखर जमान नहीं खेल रहे होते, इमाम उलक होते, एक सवाल है मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं और कमेंट में बताइएगा, क्या फखर इमाम उलक फखर जमान की तरह इंटेंट दिखा सकते थे। मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रन नहीं बनाने का बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इंटेंट दिखा सकते थे,
कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो इमामुल कन्वर्ट कर सकते थे अपने अपने बैटिंग स्टाइल को, कमेंट में जरा बताइएगा जरूर। इसको यहीं छोड़ते हैं। खैर बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो माशाल्लाह से दूसरे ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक साहब एक एक ऐसी बॉल पे आउट हुए हैं कि हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ये बोलते हैं जान छुड़ाई, इसने ये जान छुड़ाई है और ये अपनी विकेट दे के आया है। हम इसको यही बोलते हैं क्योंकि वो विकेट ना देने वाला बॉल था, ना ऐसा बॉल था जिसको आप एक अपिच शॉट मारो और उस पर आप आउट हो जाओ। आप वो अपनी विकेट थ्रो करके आए क्योंकि आपको आइडिया था कि यार 400 रन बोर्ड पे है, उनकी भी आ गया होगा भाई कि यार 400 रन है कौन बनाएगा जब तक कितना बारिश का मौसम नहीं था। लेकिन वो दूसरे ओवर में विकेट दे के आए, उसके बाद बाबर आजम साहब आए हैं और फखर जमान, बस यही हुआ है। फखर जमान और बाबर आजम ही जो खड़े हुए हैं, बस खड़े होने के बाद ऐसा हुआ है कि यार वो खड़े हुए हैं और चिपू गम लग गया है पिच पे कि भाई अब रुकना ही नहीं है, अब बॉल आ रही है और छक्का, बॉल आ रही है चौका, बॉल आ रही है छक्का। आज जो फखर जमान की बैटिंग थी ना, आज जो बैटिंग थी मेरे हिसाब से जो बाबा जो शाहिद आफरीदी ने 100 किए फास्टेस्ट 100, उससे भी बड़ी 100, अब उससे भी बड़ी 100 थी आज की। क्यों? क्योंकि एक पाकिस्तान को एक ऐसी 100 चाहिए थी जो पाकिस्तान को मैच जिता सके और ऐसे मैच में जो उसका डू और डाई हो, अगर वो हारता तो बाहर हो जाता, कंफर्म बाहर था, कंफर्म 1% भी चांस नहीं था कि वो आ सकता था। मगर वही है, इस मैच में इस सिचुएशन के हिसाब से फखर जमान ने जिस तरीके से खेला, 63 बॉल पे उन्होंने 100 रन कंप्लीट किए हैं और 81 बॉल पे उन्होंने 126 रन बनाए हैं। मतलब माशाल्लाह यार, किस तरीके से खेला है आपने, किस तरीके से धुलाई करी है, छक्कों की बारिश कर दी आप लोगों ने। टिम साउथी को नहीं छोड़ा और सेंटनर को नहीं छोड़ा, सोडी को नहीं छोड़ा, फिलिप्स तो माशाल्लाह से वो तो शॉट ही को नहीं देख रहे थे, जब शॉट पड़ा है फिलिप्स गर्दन नीचे, शॉट पड़ा है गर्दन नीचे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था फिलिप्स को भी कि यार जो शॉट इसको पड़ रहा है वो छक्का जा रहा है या तो चौका जा रहा है। इतना आप देख सकते होंगे रिकैप में, या रिप्लाई आप देख सकते होंगे हाइलाइट्स वगैरह में देख लीजिएगा कि जैसी शॉट पड़ा है वो नीचे। मतलब यार इस तरीके से इस लेवल का जो बैट्समैन खेल रहा है, आपने क्यों उसको बिठाया? आप पहले से सवाल ये है, इंजरी हुई, इंजरी हुई, इंजरी से पहले इंजरी के बाद वो एक मैच एटलीस्ट खिला सकते थे आप साउथ अफ्रीका वाला, क्योंकि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट मैच में तो उन्होंने यही बोला था कि इंजरी इस लेवल की नहीं थी कि मैं मैच ना खेल सकूं, अगर मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती तो मैं खेल सकता था। इसका मतलब क्या है? वो यही कहना चाह रहे हैं कि यार मैं, अगर आप खिलाना चाहते आप बोलते तो मैं खेलता, सही है। उसके अलावा एक और बात यह है कि माशाल्लाह से बाबर आजम साहब ने अभी तक फखर सॉरी अब्रार अहमद को यूज नहीं किया है और वर्ल्ड कप का लास्ट मैच है ये। आपको पता है शादाब खान कंकशन रूल 3 साल में 3 दफा हो चुका है और उनकी अब ये कंडीशन नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेल खेल सके आगे के जितने भी एक मैचेस रह गए। इंशाल्लाह हमारी तो दुआ यही है कि दूसरा भी मैच खेले और सब पूरी कौम की दुआ यही भी है कि फाइनल भी खेले। खैर अभी फिलहाल एक मैच तो जरूर रह गया है, लेकिन आप अभी तक अब्रार को नहीं लेके आ रही, ये वही है, वही सिचुएशन क्रिएट हुई है जो हम 2019 में लेके गए थे मोहम्मद हसनैन को। मोहम्मद हसनैन को लेके गए थे, हमने क्या बोला था कि यार ये हमारा पैकेज है, ये हमारा सॉरी सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग बॉलर है। माशाल्लाह से ऐसा सरप्राइज है सबके लिए कि यार एक मैच भी नहीं खिलाया था उनको और वो माशाल्लाह से इंग्लैंड घूमे और आ गए। यही हो रहा है यहाँ पे, फखर सॉरी यहाँ पे जमान खान, यहाँ पे हारिस और यहाँ पे अब्रार घूम रहे इंडिया और आ रहे। यार आप किस लिए लेके गए उनको? खिलाने के लिए लेके गए हो ना। अब जब वो खिलाने के लिए लेके गए हो, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप उनको खिला सकते हो, तो यार आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हो? बाबर आजम साहब ये बोलने की मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये कब जरूरत पड़ेगी आपको? वर्ल्ड कप के बाहर, वर्ल्ड कप के बाद जरूरत पड़ेगी, घर आके उसको खिलाओगे? या आपको ये डर है यार कि अगर वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म गलती से भी परफॉर्म कर दे तो आप शादाब खान की जगह जा सकती है, या आप शादाब खान को बचाना चाह रहे हो? आप या तो दो चीजें हैं, या तो आप शादाब खान को बचाना चाह रहे हो, या तो आप ये नहीं चाह रहे हो कि यार अब्रार अहमद आए और परफॉर्म करे, बस ये दो बातें। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फखर जमान भाई आपको बिग सैल्यूट है यार कि आपने जिस तरीके से खेला और बहुत अच्छी लगी आपकी इनिंग। अगर आप 100 नहीं भी करते ना, अगर आप पाकिस्तान मैच नहीं भी जीतता, जब आपने 40-45 बॉलें खेल ली थी ना, यार आपका इंटेंट दिख गया था हमें कि यार आप किस तरीके से खेलना चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या है। तो माशाल्लाह से जो टीम के लिए खेलता है ना वो दिखता है टीवी पे, बस ये बोलूंगा, जो टीम के लिए खेलता है वो टीवी पे दिखता है और जो टीम के लिए नहीं खेलता वो टीवी पे जरूर दिखता है कि कैसे आप दूसरे बॉल पे आउट होके जा सकते हो 400 के हदफ पे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।